करवा चौथ पर बाजारों में उमड़ी भीड़। करवा चौथ के त्योहार के मद्देनजर बाजारों में रौनक दिखाई दी। महिलाएं खरीदारी कर रही हैं, चूड़ी की दुकान, कपड़े की दुकान, श्रृंगार का सामान लेकर ब्यूटी पार्लर में करा रही है मेकअप। सजना है मुझे सजना के लिए। जी हाँ, ये वाक्य सत्य है, क्योंकि आपको बता दें, रविवार को महिलाओं का त्योहार करवा चौथ है, जिसको भारत के विभिन्न प्रदेशों में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं खरीदारी कर 16 श्रृंगार के साथ नए वस्त्र धारण कर अपने पति के लंबे उम्र के लिए निर्जला व्रत करती हैं और चांद का दीदार कर अपने पति का दीदार कर इस व्रत को पूर्ण करती हैं। लक्सर बाजार में मार्केट में कपड़ों की दुकान, चूड़ियों की दुकान, जूते की दुकान में ब्यूटी पार्लर में महिलाओं को देखा गया है। हर कहीं महिलाएं खरीदारी कर रही हैं, मेकअप करवा रही हैं। करवा चौथ की कई कथाएं प्रचलित हैं, उसी में से एक साहूकार के साथ लड़के एक लड़की की कहानी। एक साहूकार के साथ लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसके सातों बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने के लिए कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही आज मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बहुत दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर गए और वहां पर एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जला कर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुना करती है और भाइयों के द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लेती है। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार हो गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत ही ज्यादा पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और उसके बाद उसने आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान दिया, उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त किया। इस बाबत महिलाओं से इस बारे में बात भी की तो उन्होंने कहा, ये महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा दिन माना जाता है। इसमें महिला श्रृंगार करके अपने पति की पूजा करती है, चांद का दीदार करके अपने पति का मुख देख कर इस व्रत को पूरा करती है। नवभारत समाचार लक्सर से फिरोज अहमद की रिपोर्ट। सर करवा चौथ हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति का परिचायक, पति पत्नी के प्यार विश्वास स्नेह का परिचायक है और इस टाइम पे काफी रोमांचक रहता है। ब्यूटी पार्लर में भीड़ लग रहती है और खरीद फरोख करने के लिए पत्नियां पति के साथ आकर्षण का केंद्र बिंदु रहते हैं बाजार। बस यही कहना चाहूंगी कि पति पत्नी का प्यार बना रहे ही और हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति को यही बढ़ावा मिलता रहे। चौथ के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और अलग अलग प्रकार का सामान खरीदती हैं, अपने पतियों से नए नए गिफ्ट की उम्मीदें रखती हैं और इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।